नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना। आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव। ग्रामीण क्षेत्रों में फैशन के प्रति लोगों में जागरूकता कम जरूर है, लेकिन उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहना है मिसेज इंडिया ईस्ट प्रज्ञा पांडे का। जी हां, रोहतास की रहने वाली प्रज्ञा पिछले दिनों उत्तराखंड के नैनीताल में आयोजित मिसेज इंडिया कॉम्पिटिशन में मिसेज इंडिया ईस्ट चुनी गयी। इसी सिलसिले में प्रज्ञा ने न्यूज 24 लाइव से खास बातचीत की। देखिए हमारी खास पेशकश। यही कहना चाहूंगी कि अगर मन में जिद है, सपने पूरा करने की आत्मविश्वास है, तो पूरे हो जाएंगे। रास्ता खुद ब खुद निकलते जाता है। तो मन में वो विश्वास होनी चाहिए सपने पूरे करने के, और कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि शादी से पहले या शादी के बाद। जिस मंच पर आप थी उस समय प्रसन्नता का मतलब बहुत ही खुशी फील कर रही थी कि आज मैं कहाँ थी और कहाँ हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और बहुत ही डिफिकल्ट भी था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने मन में ठाना था तो उसको पूरा किया। यही कि अगर मन में विश्वास है करने की, तो आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। दरअसल प्रज्ञा पांडे रोहतास के ही चेनारी के ककई गांव की रहने वाली हैं। वे किसान उमाकांत पांडे की बेटी हैं। उनका मैके चेनारी के पांडे डीही गांव में ही है। पिछले महीने 26 से 30 नवंबर तक नैनीताल में आयोजित मिसेज इंडिया कंपटीशन में प्रज्ञा पांडे मिसेज इंडिया ईस्ट चुनी गई। प्रज्ञा पांडे पहली बार जब अपने जिले में पहुंची तो सासाराम के फैशन से जुड़े लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं रैंप पर उन्होंने कैटवॉक भी किया। न्यूज 24 लाइव से बातचीत करते हुए प्रज्ञा ने कहा कि छोटे शहरों और कस्बों से भी अब प्रतिभाएं निकल रही हैं। जरूरत है लगन और हिम्मत के साथ मैदान में डटे रहने की। अगर महिलाएं अपने लगन से आगे बढ़ेंगी तो लोग उनका साथ जरूर देते हैं।